जानवी कपूर की पहली फिल्म धड़क का गाना जिंगर बेहद लोकप्रिय गाना बना हुआ है। जानवी जहां भी जाती है उनसे अक्सर इस गाने के मशहूर डांस मूव करने के लिए कहा जाता है। हाल में ही एक इवेंट में ये गाना बजाया गया और उनके फैंस के साथ साथ फोटोग्राफर्स ने भी उनसे इस गाने पर डांस करने के लिए कहा। जानवी ने खुशी खुशी इस गाने पर एक शानदार डांस किया जिसे देखने के बाद सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। लोगों ने एक्ट्रेस को दोबारा डांस करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। हालांकि जानवी ने मुस्कुराकर और विनिता सैफी से डांस करने के लिए मना कर दिया। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पीले रंग की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी में जानवी कपूर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपने लुक को चौकोर और खूबसूरत ड्रॉप इयररिंग्स और चूड़ियों से पूरा किया। उन्होंने अपने बालों में कर्ल करके खुला रखा हुआ था। एक्ट्रेस इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। स्टेज पर जानवी कपूर ने साड़ी पहन बहुत प्यार से डांस किया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जानवी कपूर का ये लेटेस्ट वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। शनिवार को जानवी ने इंस्टाग्राम पर एक पिन स्टॉप पावर सूट में अपनी तस्वीरें भी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने फ्लोरस और एक क्लासिक बॉस वेब स्टाइल आइडल शो किया। उन्होंने कैरोसेल का कैप्शन दिया ओवरथिंकिंग के सीईओ। जानवी कपूर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। उनका इंस्टाग्राम उनकी बोल्ड और स्टनिंग फोटो से भरा हुआ है। जानवी कपूर अक्सर इंस्टाग्राम पर अपना ग्लैमरस लुक शेयर कर लाखों फैंस को अपना दीवाना बना लेती है। धड़क फिल्म अभिनेत्री जानवी कपूर को अपनी माँ और अभिनेत्री श्रीदेवी की कमी हर पल महसूस होती है। हाल में ही जानवी अपने पिता बोनी कपूर और छोटी बहन खुशी कपूर के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि जिसमें श्रीदेवी नहीं है। हालांकि जानवी का कहना है कि माँ की ऊर्जा वह नए घर में भी महसूस करती है। वह कहती है कि मेरे लिए हमेशा घर का मतलब यही था, जहाँ हमेशा मोगरा फूल की खुशबू आती है, क्योंकि माँ घर के आसपास मोगरा खूब लगाती थी। रहमान के गाने बजते रहते थे, पूरे दिन हंसी मजाक चलता रहता था। पापा शाम को गाना गाते थे, डांस करते थे और माँ को खुश करने का प्रयास करते थे, और माँ कहती थी कि ये सब मत करो। कई सारी यादें दोनों के रोमांस के आसपास की है। माँ के जाने के बाद हम एक परिवार की तरह कभी साथ नहीं बैठे, क्योंकि उनका ना होना हमें खालीपन जैसा लगता है। जानवी कपूर को आखिर बार नितेश तिवारी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बवाल में वरुण धवन के साथ देखा गया था। जानवी कपूर जल्द ही राजकुमार राव के साथ मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आएगी। शरण शर्मा द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित यह फिल्म 19 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा वह एक तेलुगु फिल्म दीवारा भी कर रही है।